हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, पर लोग अक्सर उसे दूसरों जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। अगर तुम उस वक्त भी मुस्कुरा सकते हो जब तुम्हें पूरी तरह टूट चुके हो, तो वो यकीन मानो दुनिया में तुम्हें कोई नहीं तोड़ सकता। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य के प्रति सच्ची लगन और निष्ठा रखता है तो उसे कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ता। भगवान के भक्त होने का मतलब यह नहीं कि आप कभी गिरेंगे ही नहीं, पर जब आप गिरेंगे तो भगवान आपका हाथ स्वयं थाम लेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हर चीज की शुरुआत मुझसे होती है और ख़त्म भी मुझ पर आकर ही होता है। जिंदगी में इतना कमाओ कि बेटे की शादी में दहेज लेने की नौबत ना आए और बेटी को इतना पढ़ाओ कि दहेज देने की जरूरत ना पड़े। जिसकी कोई गारंटी नहीं है उसका नाम जिंदगी है, जिसकी फुल गारंटी है उसका नाम मौत है। न गीता बुरी, न कुरान बुरा, न हिंदू बुरा, न मुसलमान बुरा, न खुदा बुरा, न भगवान बुरा। भेजे में जो गुस्सा भरा वो सहता है। किसी को कष्ट में देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़ें, लेकिन उतनी ही जहां से जमीन साफ दिखाई देती हो। बिना मतलब के कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना मतलब भी आपकी इज्जत करें। कहानी जिंदगी की यही है कि इसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता। क्रोध में बोला हुआ शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी हजारों प्यारी बातों को एक मिनट में नष्ट कर सकता है। ना तो अधिक बोलना अच्छा है और ना ही ज़्यादा चुप रहना। जैसे बहुत अधिक वर्षा होना भी अच्छा नहीं है और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती। भगवान कहते हैं, सोने से पहले तुम सबको माफ़ कर दिया करो और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। दोबारा गर्म की हुई चाय और समझौता किया गया रिश्ता, दोनों में पहले जैसी मिठास कभी नहीं आती। 2 रुपए का हो या 200 रुपए का, लिखता वही है जो हम चाहते हैं। जिंदगी आपकी हो या और किसी की, बनता वही है जो मेहनत करता है। नदी की तरह बस बहते रहो, चट्टाने अपने आप कट जाएंगी। अपना काम करने में कोई शर्म नहीं और मेहनत से बड़ा कोई धर्म नहीं। शतरंज हो या जिंदगी, जीतने के लिए धैर्य जरूरी है। यदि खेत में बीज न डाले जाएं तो कुदरत भी उसे घास फूस से भर देती है। ठीक उसी तरह से दिमाग में सकारात्मक विचार ना भरे जाएं, क्योंकि नकारात्मक विचार अपनी जगह बना ही लेते हैं। 2, जिसके पास जो होता है वह वही बांट लेता है। दुखी सुख बांटता है, दुखी दुख बांटता है, ज्ञानी ज्ञान बांटता है, भ्रमित भ्रम बांटता है, भयभीत भय बांटता है। दुनिया का सबसे खूबसूरत पौधा विश्वास का होता है, जो धरती पर नहीं लोगों के दिल पर उगता है। सीधे इंसान को कभी धोखा मत देना, क्योंकि सीधे इंसान का जवाब खुदा टेढ़े तरीके से देता है। इंडिया कितना भी डिजिटल हो जाए, छोटी गूगल से डाउनलोड नहीं होगी, वह तो आपको अपने मेहनत से ही मिलेगी। अगर कोई आपकी कीमत ना समझे तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। रिश्ते की खूबसूरती एक दूसरे की बात समझने में है। खुद जैसा इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। अहंकार मनुष्य से वह सब कराता है जो अंत में उसे उसके विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग दें। क्रोध बुरा होता है, पर जहाँ जरूरी हो वहाँ दिखाना ही चाहिए, नहीं तो गलत करने वाले तो एहसास ही नहीं होता कि वह गलत कर रहा है और वह आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करेगा। किसी के बुरे वक्त में कभी मत हंसना, क्योंकि यह बुरे वक्त चेहरे याद रखता है। परेशानियां तो हर किसी के जीवन में आती है, उदासियां चेहरे पर दिखाई दे यह जरूरी नहीं। सबसे समझदार और खातिर बुद्धिमान वह व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता में गम में नहीं डूब जाता। अगर मेरे भक्त मौन होकर मेरे विश्वास पर सब सुन रहा है तो याद रखना उसके मौन का और उसके। दुनिया का सबसे खूबसूरत पौधा विश्वास का होता है, जो धरती पर नहीं लोगों के दिल पर उगता है। सीधे इंसान को कभी धोखा मत देना।
क्योंकि सीधे इंसान का जवाब खुदा टेढ़े तरीके से देता है। इंडिया कितना भी डिजिटल हो जाए, रोटी गूगल से डाउनलोड नहीं होगी, वह तो आपको अपने मेहनत से ही मिलेगी। अगर कोई आपकी कीमत ना समझे तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। रिश्ते की खूबसूरती एक दूसरे की बात समझने में है। खुद जैसा इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। किसी ने मुझसे पूछा, सब जान कर भी चुप कैसे रह लेते हो? मैंने कहा, कोई अपने मतलब के लिए कितना गिर सकता है, बस यह देखकर अच्छा लगता है। जिंदगी को इतनी सस्ती भी मत बनाओ कि दो कौड़ी के लोग खेल खेल कर चले जाएं। आप चाहे सबका भला करते रहो, पर लोग कभी आपके सगे नहीं हो सकते। जहाँ दूसरों को समझाना मुश्किल हो जाता है, वहाँ खुद को समझा लेना ही बेहतर होता है। बहुत मजबूत हो जाते हैं वह लोग जो अंदर से टूट जाते हैं। ऊपर वाले की मेहर हो जाए तो सरताज बना देता है, और जरा सी नज़र फेर ले तो मोहताज बना देता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कहिए राधे राधे।